जय गो माता, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे। बहुत दिनों से मैंने गिर गौ सतन संस्थान की जो YouTube चैनल है उसके वीडियोस देखे हैं, और वो सारे वीडियोस देखने के बाद मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आए थे, तो आज हम गुरुजी के साथ उन सवालों के उत्तर हम देखेंगे। तो गुरुजी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के वीडियो में। गोपालक जो है तो उसको सफल होने के लिए क्या क्या पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए? जो नए गोपालक आते हैं गोपालन के कार्य में, उनको बेसिकली जो कॉमन चीज़ें हैं, जो नॉर्मल चीज़ें, जो प्राइमरी मतलब प्राथमिक बोलते हैं जिसको, उस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। उसमें आप देखेंगे तो गाय को हमेशा खेती से जुड़ी रखनी चाहिए ताकि उसका चारा फ्री में और जहर मुक्त बने। दूसरी एक बात ऐसी ही महत्वपूर्ण है कि गोपालकों को ज्यादा से ज्यादा गाय की जो वेस्ट प्रोडक्ट दुनिया कहती है, जैसे गोबर को पूरी दुनिया वेस्ट कहती है, उससे भी ज्यादा कैसे पैसा उत्पादन करे। गोमूत्र को दुनिया वेस्ट कहती है, तो उससे भी कैसे पैसा उत्पाद करे। और उसके बाद जैसे दूध है, उसका मूल्यवर्धन, जैसे दूध में से आप श्रीखंड बनाओ, मट्ठा बनाओ, आइसक्रीम बनाओ, घी बनाओ, उस प्रकार से बाय प्रोडक्ट में जब तक किसान नहीं जाएगा तब तक वो वैल्यू एडेड और उसको प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। ज्यादातर जो नए गोपालक हैं, जिन्हें गोपालन नया नया शुरू करना होता है, तो वो फेल क्यों हो जाते हैं? उनमें क्या कमियां या फिर क्या पॉइंट पे वो ध्यान नहीं रखते हैं? बहुत सारी चीजें हैं फेल होने के कारण। एक तो ब्रीड का सिलेक्शन, उसके बाद ब्रीड डेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें फेल होते हैं, ब्रीड सिलेक्शन में फेल होते हैं, फिर उसका फीडिंग में फेल होते हैं। गाय को जो फीडिंग करवाना चाहिए, जो फोडर जो गाय का है, उसके सिलेक्शन में फेल होते हैं। ज़्यादातर लोग गेहूं की भूस, चावल की पराली वही खिलाते हैं जिसका न्यूट्रिशन जीरो है। तो कोई भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी चलाने के लिए 16 से 21 एलिमेंट कंपलसरी चाहिए, अलग अलग वो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई कम वो नहीं चलता। तो ये पॉइंट है। उसके बाद कई गोपालक जो है वो बाय प्रोडक्ट में नहीं जाते हैं, सीधा दूध बेचते हैं। तो गोपालन जो है ना, वो दूध बेचने का धंधा नहीं है। दूध बेचने की नज़र से जो आते हैं वो हमेशा फेल होते हैं। कई गोपालक जो अज्ञानता के कारण, अनुभव नहीं होने के कारण फेल होते हैं। तो कई गोपालक जो है अपनी प्रोडक्ट भी अच्छी बना लेते हैं, गौशाला भी अच्छी मैनेज कर लेते हैं, बट वो मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। कई गोपालक ऐसे हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी, मार्केटिंग भी, लेकिन वो ब्रीड डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो आने वाला जनरेशन जो है, अभी 7 लीटर वाली गाय है, तो आने वाला जनरेशन 3 लीटर वाला हो जाता है। तो फेल होने के बहुत सारे कारण है, उसके लिए पूरी चीज़ को समझ के ही करना चाहिए। अभी आपने इतने सारे बिंदु बताए, पॉइंट्स बताए, लेकिन गोपालन जो है वो छोटा सा विषय नहीं है, वो बहुत बड़ा विषय है। तो अगर कोई नया है, अगर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, या फिर कोई भी जो इस चीज से जुड़ा नहीं है, गोपालन से जुड़ा नहीं है, लेकिन उससे जुड़ना चाहता है, गौ माता के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए इतने सारे जो आपने पॉइंट्स बताए अलग अलग, तो उसकी हम जानकारी कैसे ले मतलब? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देश भर में बहुत सारे सक्सेस लोग काम कर रहे हैं, सबके पास एक एक पॉइंट की सफलता है, सक्सेस पॉइंट सबके पास एक एक है। सभी से जाके मिल के बैठ के समझ के वहाँ कुछ समय दे के वो एक एक पॉइंट पे समझना चाहिए और वो पॉइंट अपने काम में लागू करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ गोपालन का बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, बाय प्रोडक्ट का नहीं देते, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का बहुत सारे लोग देते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न आया था एक्सपोर्ट का कोई नहीं ट्रेनिंग देते, तो हम एक्सपोर्ट का ट्रेनिंग देते हैं। जो चीज़ बाहर से जानकारी से मिलती है वो उसको लेना चाहिए और उसको सही समझदारी से लागू करना चाहिए। और गुरुजी, एक सवाल कि गौ माता का जो भी हम पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका जो खर्चा है, जैसे कि चारा का खर्चा आपने बोला कि अगर हम उसे खेती से जोड़े तो चारे का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, लेकिन मेडिकल खर्चा जो है, उसकी जो बीमारियां रहती हैं, तो उसे कैसे हम मैनेज करें? उसका जो बीमारियां है ना गायों की, उसका सबसे पहला राज है फोडर, उसका खाना। उसका खाना आप न्यूट्रिशन वाला ढंग से दोगे तो मुझे नहीं लगता गाय बीमार पड़ेगी। ठीक सेम ऐसा ही पॉइंट उसके साथ है एक्सरसाइज। गाय को यदि आप रोज 2 से 5 किलोमीटर चलाते हो, रोज 4 घंटा कम से कम सूर्य प्रकाश में रखते हो, और उसका पानी जो है उसका पीएच लेवल 7 से 9 के बीच में है, और टीडीएस भी ढंग से है, सही तरीके से, तो मुझे नहीं लगता गाय बीमार कभी पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी।
दोस्तों, आपने देखा कि आज के वीडियो में गुरु जी ने बहुत ही सही तरीके से हमें गाइडेंस दिया है। अगर आपके मन में ऐसे कोई अलग प्रश्न है, कोई सुझाव आपको चाहिए, किसी भी प्रकार की गौपालन से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियोस के ज़रूर आप आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। और जैसे कि गुरु जी ने हमें बताया कि ट्रेनिंग हमारी गौशाला पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। वेबसाइट लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, और दर 2 महीने के बाद हम वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गौ माता। आज के लिए इतना ही।